फुतोशी मासुनाका और इसकी बीवी जनको काटा। इन दरिंदों ने जापान में कई मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मासुनाका औरतों को बहला फुसला के उनके साथ लूट करता और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर देता। इन्होंने एक 17 साल की लड़की और उसके पिता को सुनसान अपार्टमेंट में बंदी बना लिया। उसके बाद लड़की के पिता को ये टॉर्चर करते और उसकी ही बेटी को नोचने, शरीर को काटने और यहाँ तक उसके बल को खाने के लिए मजबूर करते, और ये सब देख के ये दोनों पागलों जैसे हंसा करते थे और इस टॉर्चर से उनकी मौत हो जाती है। फिर ये दोनों दरिंदे इसके पिता के टुकड़े उसकी ही बेटी से करवाते हैं। 6 मार्च 2006 को वो लड़की उनकी कैद से भाग जाती है और पुलिस को सब बताती है। पुलिस तुरंत इन दोनों को पकड़ लेती है। कोर्ट ने मासुनाका को मौत की सजा सुनाई और जनको को उम्र कैद की सजा।